ओके सो हेलो एवरीवन सर्टिफाइड थे इस क्लास में आई वेलकम यू ऑल सबसे पहले प्लीज़ मुझे चैट में कंफर्म कीजिए कि मेरी जो वॉइस है वो ऑडिबल है और जो स्क्रीन मैंने शेयर किया है वो विजिबल है लाइव चैट में प्लीज़ कंफर्म कीजिए ओके ओके ग्रेट तो आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं इथिकल हैकिंग के इंट्रोडक्शन ओके तो अभी हम इंट्रोडक्शन कवर करने वाले हैं तो इस इंट्रोडक्शन में हम लोग समझेंगे कि हम लोग इस कोर्स में क्या क्या करने वाले हैं कितने डेज का ये कोर्स होगा और कैसे कैसे है, इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे जो भी आप लोग के कंफ्यूजनस होंगे या क्वेरीज होंगे या डाउट्स होंगे वो हम इस क्लास में दूर करेंगे एंड देन नेक्स्ट वीक से हम लोग का जो एक्चुअल सिलेबस है वो शुरू होगा जो कि है मॉड्यूल वन इंट्रोडक्शन टू हैकिंग एंड देन रेस्ट वन ओके एवरी मैं बहुत से लोगों को देख पा रहा हूं कि उनके वीडियो कैमराज अभी भी ऑन है तो so, अगर आप लोग को YouTube पे आना है तो बेशक आप कैमरा ऑन ऑफ मत कीजिए लेकिन अगर आपको यूट्यूब पे नहीं आना है तो अपना कैमरा प्लीज़ आप ऑफ कर लीजिए कैमरा ऑन उन, होने के कारण हम लोग को नेटवर्क इश्यूज़ होता है जिस कारण से इंटरनेट कनेक्टिविटी में इशू आ सकती है और वॉइस जो है वो क्लियर आने में इशू हो सकता है पंकज चौहान सनी हरेश नायक आप लोग को किस लैंग्वेज में बताऊं मैं hmm. सभी से रिक्वेस्ट है ये प्लीज अपने वीडियोस बंद कर लीजिए ऑडियो इज नॉट विजिबल हाउ द ऑडियो विल बी विजिबल ओके एवरीवन सो प्लीज एक बताओ चैट में आप कंफर्म कीजिए कि uh, मेरी वॉइस ऑडिबल है एवरीवन। प्लीज लेट नो इन द लाइव चैट ओके ग्रेट सो अभी मैं चैट को डिसेबल करने जा रहा हूं जब मैं टॉपिक के साथ आगे बढ़ूंगा और जब क्यू एन ए सेशन हम लोग का शुरू होगा देन देन मैं चैट को दोबारा एनेबल करूंगा ओके सो लेट अस गो अहेड विद दिस टॉपिक अभी कोर्स के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग ओके okay. सबसे पहले तो इथिकल हैकिंग के बारे में समझते हैं कि इथिकल हैकिंग क्या होता है हम सभी लोग जानते हैं कि हैकर क्या है किसको हैकर कहते हैं या हैकर का डेफिनेशन क्या है या हैकर का मीनिंग क्या है एक ऐसा पर्सन जो इलीगल कामों को करे क्रिमिनल एक्टिविटीज को करे ऐसा कुछ एक्टिविटी करे जिसके कारण दूसरों को नुकसान हो दूसरे सर्वर्स को वेबसाइट्स को आई फील्ड में टेक्निकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में जैसे कि वेबसाइट्स सॉफ्टवेयर्स एप्लीकेशन एंड्रॉइड एप्लीकेशंस आईओएस एप्लीकेशंस उन सब चीज़ों को जो गलत तरीके से हार्म पहुंचाए ओके okay? उनको हम एज ए हैकर कहते हैं वो लोग हैकर होते हैं ओके okay? कोई स्कैम करना कोई इलीगल स्टफ करना कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज करना ऑनलाइन वो लोग हैकरस कहलाते हैं तो इथिकल हैकिंग और इथिकल हैकर क्या है वेल well, इथिकल हैकरस और इथिकल हैकिंग जस्ट हैकिंग का उल्टा है इथिकल हैकिंग जो है वो सारी चीज़ों को लीगल वे में करता है ठीक है एक इथिकल हैकर को यही सेम टू सेम चीज जो हैकर्स करते हैं वही वही सेम तरीके को अपना के वही सेम को अपना बट इथिकल हैकर लीगल होते हैं यानी कि उनको ऑथोराइज होता है उनको लाइसेंस लाइसेंस होता है इन च, इन सभी कामों को करने के लिए ओके okay? कंपनीज बड़ी बड़ी कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट गूगल फेसबुक इथिकल अपने सर्वर्स uh, को सिक्योर करने के लिए अपने सॉफ्टवेयर को सिक्योर करने के लिए अपने वेबसाइट्स को सिक्योर करने के लिए क्योंकि इथिकल हैकर्स का काम ही यही होता है कि वो लोग हैकर्स को ढूंढ के निकालें खामियों को ढूंढ के निकालें कि क्या खामी है वेबसाइट में क्या बग है वेबसाइट में क्या इश्यू है वेबसाइट में और क्या वेलेबिलिटी है वेबसाइट में जिसके कारण वेबसाइट हैक हो सकता है इथिकल हैकर इन सारे चीज़ों का पता लगा के वेबसाइट ओनर या तो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के ओनर को रिपोर्ट करता है कि ये ये चीजों की कमी है आपके वेबसाइट में या तो आपके सॉफ्टवेयर में इन इन चीजों को आपको सही करना है अगर आप सही नहीं करते हैं तो फ्यूचर में आपका ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है ये हैक हो सकता है तो ऐसे बंदों को कहते हैं ऐसे लोगों को कहते हैं इथिकल ओके नाउ अब हम इस मॉड्यूल में क्या क्या पढ़ने वाले तो ये कंटेंट है जो कि हम कवर करने वाले हैं पहला इंट्रोडक्शन देन इथिकल हैकिंग क्या होता है देन हैं ठीक है देन वो हैक क्यों करते हैं देन वट शुड बी डू आफ्टर हैक अगर सपोज हमारे साथ ही ये कांड हो गया हमारे साथ ही ये हैकिंग एक्टिविटी हो गई हम ही हैक हो गए तो हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हैकिंग प्रोसेस का क्या होता है एक हैकिंग एक्टिविटी में क्या क्या स्टेप्स होते हैं क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं ये देखेंगे हम आज हमारे क्लास में और फिर देखेंगे हम लोग कि ऐसा क्या चीज हमको चाहिए नॉलेज जिसके यूज से हम लोग इथिकल हैकर बन सकते हैं और हमको इथिकल हैकर क्यों चाहिए ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज को इथिकल हैकर्स क्यों चाहिए हैक hack करने के बाद क्या करते हैं एडवांटेजेस क्या है इथिकल हैकिंग का डिसएडवांटेजेस क्या है इथिकल हैकिंग का फ्यूचर एनहांसमेंट्स क्या है और कंक्लूजन क्या है एथिकल हैकिंग को पढ़ने का तो ये सारे के सारे चीजों को हम लोग इस कोर्स में कवर करने वाले हैं स्टार्टिंग करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हैकिंग क्या होता है एक हैकर हैकिंग वही सेम आदमी है जो कि एक हैकर है जो एक हैकर करता है वही एक इथिकल हैकर भी करता है बट हैकर करता है नुकसान पहुंचाने के एम से और इथिकल हैकर करता है उसको बचाने के एम से

और जो सॉरी हैकिंग जो है वो एक इन एक्टिविटी है और क्रिमिनल एक्टिविटी है और जो इथिकल हैकिंग है वो लीगल एक्टिविटी है उन चीजों को करने का लाइसेंस होता है इथिकल हैकर्स के पास परमिशन होता है दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ इथिकल हैकिंग यही है मीनिंग इंट्रोडक इथिकल हैकिंग का ओके okay? आगे बढ़ते हैं इथिकल हैकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इथिकल हैकर्स कौन होते हैं अगर आपसे कोई पूछे कि इथिकल हैकर क्या होता है इथिकल हैकिंग क्या होता है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि एक इथिकल हैकर को हम कह सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंट कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोफेशनल एक कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोफेशनल का एक आदमी जो कि बहुत ही प्रोफेशनल है ठीक है जो माहिर है कंप्यूटर सिस्टम्स में ब्रेक करने के लिए यानी कि कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक करने के लिए वो माहिर है उसको एक्सपीरियंस है और उसका काम ये होगा कि वो प्रोफेशनल है और वो कंपनी के लिए काम करता है यानी कंपनी ने उसे हायर किया है पॉजिटिव चीजें करने के लिए लीगल चीजें करने के लिए उनके सिस्टम में खामियों को निकालने के लिए और उनको बताने के लिए जितने खामियों को वो निकालेगा जितने एरर्स को वो निकालेगा उसका जो वैल्यू है उस हिसाब से बढ़ेगा ओके okay? या तो वो लोग सैलरी पे कंपनी में होते हैं या तो वो लोग एज अ फ्रीलांसर कंपनीज में होते हैं हर एक प्रोजेक्ट का उनको अलग से पैसा दिया जाता है ये रोल होता है इथिकल हैकर्स का ओके okay? और इथिकल हैकर सेम चीज़ों को अपनाता है जो करते हैं सेम तरीका सेम टूल सेम कॉन्सेप्ट बट कभी भी एक इथिकल हैकर टारगेट को डैमेज नहीं करता है ना ही कोई इन्फॉर्मेशन चुराता है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हैकर और इथिकल हैकर को डिफरेंट बनाता है कोई भी हैकर कोई भी काम करने के लिए उसका एक ही एम होता है या तो वो टारगेट सिस्टम को बर्बाद कर दे डैमेज कर दे और वहाँ के जो इन्फॉर्मेशन से उसको चुरा ले ये एक हैकर का एम होता है और एक इथिकल हैकर का सेम तरीका सेम कॉन्प्ट होता है लेकिन वो उन सारे चीजों को इसलिए नहीं करता है क्योंकि उनको टारगेट को डैमेज पहुंचाना है या तो कोई डेटा चुराना है बल्कि वो इसलिए करता है क्योंकि उसको ये पता लगाना है कि आखिर ऐसी क्या खामी रह गई है वेबसाइट वेपसा, या तो सॉफ्टवेयर में जिसके कारण से ये चीज पॉसिबल हो पा रहा है और वो चीज़ मिलते ही वो सीधे सीधे फाउंडर जो ओनर है जो एडमिन है उस वेबसाइट का उसको रिपोर्ट करेगा ओके okay? भी देखिए लिखा हुआ है इवेलुएट टारगेट सिस्टम सिक्योरिटी एंड रिपोर्ट बैक टू ओनर्स अबाउट बग्स फाउंड जो भी खामियां पता चले हैकर्स को वो सारे, के सारे खामियों को उसको रिपोर्ट करना होगा ऑर्गेनाइजेशन को ताकि वो कंपनी उन चीजों को फिक्स कर सके और फ्यूचर में कभी भी वो हैकिंग का सामना उनको ना करना पड़े सो दिस इज द पॉइंट्स ऑफ इथिकल हैकिंग ये पॉइंट्स इथिकल हैकिंग के जो कि आपको समझ के रखना है मेमोराइज करना है ठीक है अब आ जाते हैं हम लोग हु आर आखिर हैकर्स कौन होते हैं वेल well, हमसे पूछा जाए कि हैकर्स कौन होते हैं तो हम लोग बहुत डेफिनेशन बोलते हैं ऐसा बंदा जो इलीगल काम करता हो जो क्रिमिनल एक्टिविटीज करता हो जो अलग अलग तरीक़ों को अपना के कुछ कुछ गलत गलत काम करता हो पासवर्ड चुराता हो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड स्कैम करता हो बट एक्चुअल में एक एक हैकर का मतलब ये नहीं होता है एक्चुअल में एक हैकर एक ऐसा बंदा होता है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखने के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड होता है उसको मजा आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने में सिस्टम्स को समझने में कंप्यूटर्स को समझने में एक ऐसा बंदा जिसको कोडिंग करने में मज़ा आता है देन थ्योराइजिंग इट हम लोग में से बहुत लोग आदत है कि हम लोग कोड को पी हो या सी हो या कोई भी कोड हो उसको याद कर लेते हैं हम लोग और उसको फिर एग्जाम में लिख के आ जाते हैं कोई भी किसी भी चीज का बात कर लीजिए चाहे कोडिंग हो, हो या प्रोग्रामिंग हो या मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो बट एक हैकर ऐसा पर्सन होता है जो कि प्रोग्रामिंग को थ्योराइज करने के बजाय याद करने के बजाय उसको सबसे ज्यादा वो उसको लिखने में मजा आता है उसका प्रैक्टिकल करने में उसको मजा आता है तभी वो इतने इंटरेस्टेड होते हैं और सिस्टम्स में खामियां आसानी से निकाल के उसको हैक कर लेते हैं अ पर्सन कैपेबल ऑफ अप्रिशिएटिंग समवन एल्स हैकिंग ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक ऐसा बंदा जो किसी और के कामों को अपने नाम ले कि नहीं वो उसने नहीं किया वो मैंने किया ओके okay? उसके हैक को अपना नाम दे कि नहीं ये मैंने किया तो ऐसा पर्सन भी जो हो उसको भी हैकर कहते हैं अ पर्सन हु पिक्स अप प्रोग्रामिंग क्विकली एक ऐसा इंसान जो प्रोग्रामिंग को देख के पिक कर ले देख के समझ जाए कि इसका इस कोड का क्या आउटपुट होगा इस कोड का क्या मतलब होगा और लास्ट में अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट एट अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सिस्टम कोई पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही एक्सपर्ट हो वो जिसके बेसिस पे वो सिस्टम को हैक कर सके तो ये सारे के सारे पॉइंट डिफाइन करते हैं एक हैकर को तो आज से कोई अगर आपसे पूछे कि हैकर कौन होता है तो आपको वही दो वर्ड का सवाल का जवाब नहीं देना है कि ऐसा बंदा जो क्रिमिनल एक्टिविटीज करता हो जो इलीगल थिंग्स करता हो नहीं ये पांच पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत इंटरेस्टेड होता हो जो कि बहुत जल्दी जल्दी इन सब चीज़ों को कैच करता हो जो सब किसी और के कामों को खुद अप्रिशिएट करता हो और प्रोग्रामिंग को क्विकली पिक करता हो और बहुत ही एक्सपर्ट हो हैकिंग में चाहे वो कुछ भी हो चाहे वो किसी के खिलाफ हो किसी के लिए हो किसी के फायदे के लिए हो या तो अपने फ़ायदे के लिए हो उससे फर्क नहीं पड़ता है दिस इज द मीनिंग ऑफ हैक दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हु आर हैकर ये याद रखना है आपको और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस क्लास के एंड होते ही ये जो पी डी एफ मॉड्यूल्स हैं ये जो पी डी एफ जहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मटेरियल और आज के क्लास का वीडियो भी अपलोड हो जाएगा ड्राइव पे और आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में तो प्लीज़ डोंट पैनिक अब आता है बात यहाँ पे कि आखिर हैकर्स हैक क्यों करते हैं करस क्यों अपने आप के ऊपर एक क्रिमिनल का टैग लगवाना चाहते हैं क्यों वो लोग चाहते हैं कि उनको सिर्फ क्रिमिनल बुलाए क्यों उनको जेल हो क्यों उनको ये सब चीजों में मजा आता है पहला तो है जस्ट फॉर फन एक ऐसा प्रोफेशनल हैकर जो कि ट्रेस ना हो पाए कभी भी पॉसिबल है कोई उसको पकड़ ही नहीं पाएगा वो जस्ट फॉर फन भी करता है बहुत सारी चीजों को शो ऑफ ऑब्वियसली में से बहुत से लोग कहते हैं कि हमको फेसबुक हैक करना है इंस्टाग्राम हैक करना है वेल शो ऑफ हो गया हैक अदर सिस्टम सीक्रेटली किसी और के सिस्टम्स को सीक्रेटली हैक करना नोटिफाई मैनी पीपल देयर था लोगों तक अपना अपने थाट्स को जाहिर करना आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि पी प्राइम मिनिस्टर का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ प्रेसिडेंट का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस का ट्विटर अकाउंट या फेसबुक अकाउंट हैक हुआ इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ इनफैक्ट हॉलीवुड एक्टर्स का हैक हुआ अकाउंट तो वो सब क्यों हो रहा है वेल क्योंकि हैकर्स अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं कुछ ना कुछ पोस्ट करके तो नोटिफाई मेनी पीपल देअ्स फिर है स्टिल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हैकर काम करते हैं वेल क्रिमिनल एक्टिविटीज पैसों का चोरी करना अकाउंट से निकाल लेना डेबिट कार्ड क्रिकेट कार्ड स्कैम करना इंपॉर्टेंट uh, इंफॉर्मेशन को चुराना पासवर्ड क्रेडेंशियल्स ये वो यूजन पासवर्ड्स आपके सोशल अकाउंट्स आपके सोशल लाइफ की इंफॉर्मेशन स्टिल इंफॉमेशन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ आपके पर्सनल लाइफ का इन्फॉर्मेशन निकाल के ब्लैकमेल करना ये सारे के सारे चीजों को इस कैटेगरी uh, में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं और लास्ट डिस्ट्रॉय एनिमीज कंप्यूटर नेटवर्क ड्यूरिंग द वॉर हर एक कंट्री के पास अपना अपना साइबर सिक्योरिटी टीम होता है हैकरस का टीम होता है जो कि साइबर वॉर में लगे हुए रहते हैं साइबर वॉर में आपको बहुत आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा साइबर वॉर क्या होता है हर एक कंट्री का अपना अपना मिलिट्री फोर्स है और उसी की तरह सेम टू सेम साइबर फोर्स भी है एक कंट्री दूसरे कंट्रीज के हैक करने में लगे हुए रहते हैं मिलिट्री डेटाबेस बेस को हैक करने में लगे रहते हैं और जासूस टाइप का उनके नेटवर्क पे नजर रखे हुए रहते हैं हर एक कंट्री करती है इनफैक्ट इंडिया हो चाहे यूएस हो चाहे चाइना हो चाहे कोरिया हो चाहे जापान हो सबके पास ऐसा रहता है एवरी वन सबको मेरी आवाज आ रही है ओके okay, ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया वाई डू हैकर्स हैक लास्ट पॉइंट साइबर वॉर साइबर वॉर मतलब हुआ कि अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग साइबर सिक्योरिटी टीम होते हैं साइबर फोर्सेस होते हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज के डेटा को चुराने में लगे हुए रहते हैं कोई खुफिया जानकारी निकालने में और uh, कुछ इंफॉर्मेशन स्टील करने में सारे सारे चीज़ों में लगे हुए रहते हैं ओके इट क्लियर नाउ सबको ओके okay. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हैकर्स के के बारे में कितने टाइप्स हैकर्स होते हैं ओके okay? तो बेसिकली अभी फिलहाल तीन टाइप के हैकर्स को हम कैटेगराइज करेंगे ऐसे होते हैं बहुत सारे कैटेगरीज हैं बट अभी हम तीन टाइप में कैटेगराइज करेंगे सबसे पहले होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स फिर आते हैं व्हाइट हैट हैकर्स

खाइयों को निकाल के उनको रिपोर्ट करने के लिए और ऐसे ऐसे अलग अलग देन ग्रे ग्रे हैकर ऐसे hackers होते हैं जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाइएगा कि वो अच्छे काम के लिए कर रहे हैं या बुरे काम के लिए कर रहा है वो ऑफेंसिव भी हो सकता है वो डिफेंसिव भी हो सकता है उसके लॉयलिटी को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं ठीक है ब्लैक हैकर पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता व्हाइट हेट हैकर ट्रस्ट वर्दी होते हैं और ग्रेट हैकर का कोई अदा पता नहीं है कि वो ट्रस्ट वर्दी है या नहीं है कभी हो जाते हैं कभी नहीं भी होते हैं मिक्स ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट हैकर क्लियर है ब्लैक हेड हैकर सबसे खतरनाक लेवल के हैकर होते हैं व्हाइट हैट हैकर जो होते हैं उनके उल्टे होते हैं और ग्रे हैट हैकर जो है वो दोनों के मिक्स होते हैं ये थे थ्री टाइप्स के हैकर्स, ओके? Okay? अब यहां पे आते हैं हम व्हाट शुड डू आफ्टर हैक अगर हम हैक हो गए सपोज अगर आपका सिस्टम हैक हो गया तो आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को क्या करना चाहिए वेल well, सबसे पहले तो अपने सिस्टम को शट डाउन कीजिए ओके देन अपने सिस्टम को नेटवर्क से आप हटाइए ताकि इंटरनेट से कनेक्ट ना हो और जो हैकर का कंप्यूटर आपके नेटवर्क से कनेक्टेड है वो डिसकनेक्ट हो जाए देन रिस्टोर कीजिए अपने सिस्टम के बैकअप्स को आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आप लोग अपना वीडियोज क्यों ऑन कर ले रहे हैं आपको अपना चेहरा दिखाने का इतना शौक है तो आपका वीडियो मैं यूट्यूब पर डाल सकता हूँ मिस्टर मनीष आपके कैमरा को मैं बाबा बंद कर रहा हूँ बाबा अपने कैमरे को ओपन कर ले रहे हैं आई एम सॉरी टू एवरी वन बिकॉज ऐसे बहुत सारे यूज़र्स हैं जो सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं जिनके कारण वॉइस ब्रेक होने का इशू आ जाता है अगर एक साथ बहुत सारे कैमराज ऑन रहेंगे तो मेरी वॉइस लैग हो सकती है बिकॉज़ एक साथ मेरे सिस्टम में बहुत सारे लाइव वीडियोज़ आएंगे जिसके कारण मेरा इंटरनेट स्लो हो जाता है सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड तो ये सारी चीजें हैं जो हमको अगर हम हैक हो गए तो हमको परफॉर्म करनी है शट डाउन और टर्न ऑफ द सिस्टम सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम नेटवर्क रिस्टोर बैकअप बैकअप के साथ हमको रिस्टोर करना है कभी भी कोई भी हमारे पास वेबसाइट ऑपरेटिंग सिस्टम है चाहे वो हम लोग का लैपटॉप हो मोबाइल फोन हो डेस्कटॉप हो हमको अपने डेटा का बैकअप लेना बहुत जरूरी होता है ओके okay? तभी जाके अगर कुछ uh, कुछ गलत हुआ हमारे सिस्टम में कुछ इशू आया ताकि हम उस डेटा को रिकवर कर सकें इसलिए हम बैकअप लेते हैं ओके कनेक्ट द सिस्टम टू दी नेटवर्क नेटवर्क को सिस्टम वापस कनेक्ट कीजिए लॉग्स को देखिए जो जो लॉग्स बने हुए होंगे क्योंकि कभी भी आपका सिस्टम जब हैक होता है तो उसका एक लॉग बन जाता है ओके okay? वो लॉग आपको अपने पास रखना होगा और उसको पुलिस से फिर शेयर करना होगा ताकि उस लॉग से ट्रैक कर सके ट्रेस कर सके कि कनेक्शन कहाँ से आया और क्या क्या, क्या इशूज थे सबको क्लियर है लाइव चैट में प्लीज़ कंफर्म कीजिए अब आते हैं हम लोग हैकिंग प्रोसेस पे कभी भी कोई भी हैकिंग एक्टिविटी होता है तो उसमें एक सर्टन प्रोसेस होता है ओके okay? सपोज कि एक टाइमलाइन होता है ओके okay? एक प्रोसेस होता है एक फ्रेम होता है जो हमको फॉलो करना होता है कोई भी इथिकल हैकर या हैकर उस एक्टिविटी को जब परफॉर्म करता है तो उसको वो पर्टिकुलर स्टेप्स जो है फॉलो करने पड़ते हैं ओके okay? जैसे कि फुटप्रिंटिंग स्कैनिंग गेनिंग एक्सेस मेंटेनिंग एक्सेस ओके ये सारे के सारे स्टेप्स जो है हमको फॉलो करने होते हैं ये प्रोसेस होता है फुटप्रिंटिंग और स्कैनिंग जो है एक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पार्ट है ओके okay? इसमें हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं अपने टारगेट के बारे में ओके okay? तो ये जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग फेज है इसमें आता है फुट प्रिंटिंग एंड स्कैनिंग ये दो पार्ट आता है इसमें हम नेटवर्क के बारे में जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन जो है वो गेन करने की कोशिश करते हैं ओके फुट प्रिंटिंग एंड स्कैनिंग में आई पी एड्रेस को स्कैन करते हैं पोर्ट्स को स्कैन करते हैं कोस्ट को स्कैन करते हैं कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम उसको स्कैन करते हैं कौन से पोर्ट्स ओपन है कौन से पोर्ट्स क्लोज हैं ये सारे सारे चीजों को हम लोग स्कैन करते हैं देन वो सब चीजों का स्कैन करने के बाद अगर कोई खामियां हुई वेबसाइट में तो हम गेनिंग एक्सेस वाला फेज स्टार्ट करते हैं यानी कि हम उसमें फिर एक्सेस लेने का कोशिश करते हैं उसको यानी कि हैक करने का कोशिश करते हैं देन हम लोग करते हैं मेंटेनिंग एक्सेस उस सिस्टम में मेंटेन करते हैं अपने एक्सेस को देन मेंटेन कैसे करेंगे वायरस बना के वॉर्म बना के ट्रोजन्स बना के बैकडोर क्रिएट करके चाहे हम चार महीने बाद भी चाहें तो सिस्टम में आसानी से लॉग इन कर लें तो ये सारा का सारा आपका फेस होता है ओके फुट प्रिंटिंग स्कैनिंग गेनिंग एक्सेस मनी इन सारे सारे चीजों का प्रैक्टिकल भी हम लोग जल्दी करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में ठीक है उससे पहले आप लोग को ये बहुत जरूरी है कि आप इसका इसको समझें सबको क्लियर है प्लीज लाइव चैट में मुझे कन्फर्म कीजिए तो इन सारे बेसिक चीजों को आपका बहुत जाना जरूरी है ओके हम लोग नेक्स्ट बैच में समझेंगे कि कैसे हम लोग अपने सिस्टम को सेटअप करें प्रैक्टिकल्स के लिए कैसे सॉफ्टवेयर को यूज करना है और कैसे कैसे आगे बढ़ना है ओके ये इंट्रोडक्शन सबको क्लियर होना जरूरी है इस क्लास के एंड होते ही ये पीडीएफ में शेयर करूंगा ड्राइव पे और आज के रिकॉर्डिंग का वीडियो भी शेयर करूंगा मैं ताकि आप लोग उसके थ्रू जा उसके थ्रू जा पाए ओके सॉफ्टवेयर so, को प्रैक्टिकल शुरू होने के एक दिन पहले हैंड किया जाएगा जब प्रैक्टिकल शुरू होगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे हम जब करेंगे, आपको इन्फॉर्म करेंगे तो आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा सबको क्लियर है ये पॉइंट ओके एक और चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कोर्स छोटा मोटा कोर्स नहीं है जो एक हफ्ते या दो दिन में ख़त्म हो जाए ओके okay? इसलिए आपको इसमें अपना थोड़ा पेशेंस मेंटेन रखना है ये कोर्स धीरे धीरे ही ख़त्म होगा बट आपका ये डेढ़ महीने के अप्रॉक्स डेढ़ महीने या दो महीने में ही आपका ख़त्म हो जाएगा कोर्स ओके सो डोंट वरी अबाउट टाइम सर्टिफिकेट्स के लिए भी चिंता मत कीजिए सर्टिफिकेट से ज़्यादा फोकस कीजिए आप लोग समझने में सीखने में बिकॉज ये बहुत ही काम का साबित हो सकता है कोर्स आपके फ्यूचर के लिए भी सबको ये टॉपिक ये बात क्लियर है आज इंट्रोडक्शन क्लास जो इंट्रोडक्शन एक्चुअली ये इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग का पहले होने वाला था जिसमें हम लोग का नहीं हो पाया कुछ इश्यूज से बट ये क्लास हम लोग का इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा गया आई होप सो सबको ये क्लास सही लगा इंट्रोडक्शन का प्लीज लेट ऑन द लाइफ चैट ओके okay. ओके okay. तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग के पास टोटल बीस मॉड्यूल है ओके okay? चैट में लिखना प्लीज़ थोड़ा बंद कीजिए ताकि मैं आगे एक्सप्लेन कर सकूँ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जितना कम हो सके उतना चैट में अभी टाइप कीजिए ओके okay. तो आपको एक और चीज़ बताना चाहूंगा आप लोगों को कि हम लोग के पास टोटल ट्वेंटी मॉड्यूल्स हैं ओके okay? इन ट्वेंटी मॉड्यूल्स में हम लोग के दो दो पार्ट्स किए गए हैं यानी कि टोटल फोर्टी मॉड्यूल्स हो गए हम लोग के टोटल ट्वेंटी मॉड्यूल्स है हम लोग के पास जिसमें से फोर्टी मॉड्यूल्स हम लोग डिवाइड किए हुए हैं ट्वेंटी प्रैक्टिकल्स एंड ट्वेंटी थ्योरोटिकल्स ओके हम लोग का थियोरोटिकल क्लासेज होंगे उसके बाद नेक्स्ट डे में उसका प्रैक्टिकल क्लासेज होंगे ओके okay? जैसे जैसे हम लोग अपना थ्योरी कंप्लीट करेंगे वैसे-वैसे हम लोग अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट करेंगे सबको क्लियर है ये पॉइंट लाइव चैट में कंफर्म कीजिए ओके okay, तो यही है आज की इंट्रोडक्शन क्लास के लिए सिर्फ ठीक है और फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सेशन्स में ठीक है तो सबसे पहले आप uh, इस मॉड्यूल को मैं अपलोड करूंगा ड्राइव पे एंड देन वीडियो को अपलोड किया जाएगा ड्राइव पे और उसका जो लिंक है टेलीग्राम चैनल में हम लोग शेयर करेंगे ओके और जिस जिस टाइम पे आप लोगों ने अपना बैच चूज़ किया है आपको याद होगा गूगल फॉर्म हम लोगों ने शेयर किया था और आप में आप में से बहुत से लोगों ने उसको फिल भी किया है तो उस टाइम के हिसाब से ही आपके जो बैचेज हैं वो चलेंगे फ्रॉम नेक्स्ट वीक ओके जो टाइम आपने चूज किया है उसी टाइम आपके जो क्लासेज हैं वो होंगे जिन जिन लोगों ने फिल किया है फॉर्म उन लोग को ई आया जाएगा और उसी पे उन लोग का टेलीग्राम सॉरी बैच के ज्वाइनिंग लिंक्स होंगे जहाँ से आप लोग अपने बैच को ज्वाइन कर सकेंगे ओके okay, तो आज के लिए इतना ही आ, आपका जो आई होप ये मॉड्यूल आपको समझ में आ गया होगा जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं ओके okay? तो आप इस मॉड्यूल के थ्रू दोबारा जाइएगा ये वीडियो अपलोड करेंगे आप उस पर भी दोबारा उसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा और देन हम अपना जो आगे क्लासेस और कंटिन्यू करेंगे और डोंट वरी आपको एक लिंक भी शेयर किया जाएगा जिससे आप डायरेक्टली मुझसे बात भी कर सकते हैं कोई कन्फ्यूजन अगर हुआ तो उसके लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है पहले आपको ये इंट्रोडक्शन जाना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप कोर्स में पढ़ने वाले हैं दूसरी बात पीडीएफ डी एफ मटेरियल साफ में सबको मिल गया होगा प्लीज़ कंफर्म कीजिए चैट में पीडीएफ डी मटेरियल जो हैं वो टेलीग्राम चैनल में शेयर किया गया है दो तीन मैसेज पीछे ही उसका साफ साफ मैं भी देख पा रहा हूँ कि पीडीएफ मटेरियल वहाँ पे अपलोड किया गया है उस पी मटेरियल को आपको डाउनलोड करके सारा का सारा पढ़ना है ओके सारे के सारे मॉडल्स के थ्रू जाइए आप समझिए उसको ताकि हम लोग जब क्लास अपना कंटिन्यू करेंगे तो आपको कोई समझने में इशू ना हो इसलिए सही रहता है कि आपको पहले आइडिया रहे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ओके okay? पीडीएफ हिंदी में है क्या अगर आप पीडीएफ हिंदी में चाहते हैं तो ये मत कहिए कि आप हैकिंग भी हिंदी में ही करेंगे ओके सो दैट्स ऑल फॉर टो सेशन आज के सेशन के लिए इतना ही uh, जितने भी ये आज का जो पी है ये मैं ट्राइव पे अपलोड करके और जो वीडियो है आज के रिकॉर्डिंग सेशन का अपलोड करके आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म किया जाएगा सो थैंक यू वीमन फॉर योर पेशेंस अ गुड डे अड आप क्लास को लीव कर सकते हैं